80,000 का लोकेशन हुआ है इंदौर को, और उसमें फर्स्ट डोज भी लगेगी, सेकंड डोज भी लगेगी। और अगर किसी दिन कमी रहती है तो गवर्नमेंट फिर ये बोलती है कि सेकंड डोज लगाया जाए, क्योंकि सेकंड डोज इनका ड्यू होता जा रहा है। पर वैक्सीन निरंतर आती जाएगी, और जो आज वीसी में बताया गया है जुलाई से बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी पोजीशन, पर जून में भी आएगी। अपन करीबन 14 लाख में 50% होता है, 14 लाख वैक्सीनेशन है फर्स्ट डोज की। इंदौर में 13.5 लाख हो चुका है, तो जो 80,000 डोज आ रही है जैसी लग जाएगी ये, इससे 50% अपने 18+ सभी लोगों का कवर हो जाएगा। और ये अच्छी बात है, प्रयास करेंगे कि ये जो 18+ है ये 90%, 95% से ऊपर चला जाए, तो उसका पूरा प्रयास रहेगा। इसके लिए जो भी सख्ती करनी पड़ेगी या जो भी कंट्रोल करना पड़ेगा एंट्रीज अलग अलग जगह पे लोगों की, वो कंट्रोल करके उसको इंश्योर करके कि 100% वैक्सीनेशन हो जाएगी। सर कहाँ कहाँ एंट्री नहीं होगी यदि वैक्सीनेशन का प्रमाण नहीं होता? देखिए, जो भी सड़क पे चलते हुए किसी को हम लोग प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि आप सड़क पर तभी निकलोगे जब वैक्सीनेशन हो जाए। ये जरूर है कि जैसे कलेक्ट्रेट हो गया, सरकारी कार्यालय हो गए, मॉल्स हो गए, कई बाजार क्षेत्र हो गए, कई रहवासी संघों ने कर ही दिया है, जिम वालों ने कर दिया है, क्लब्स ने कर दिया है, अभी तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये धार्मिक स्थल हो गया है, धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, तो लोगों को जो थोड़ा हिचक रहे हैं या डर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अगर उसका जीवन है तो उसकी चिंता करना, जिम्मेवारी करना समाज का भी दायित्व है, शासन का दायित्व भी है और उसका भी दायित्व है। अगर वो अपने जीवन को लेकर लापरवाही कर रहा है, वैक्सीन किसी कारणवश नहीं लगवा रहा है, तो ये हम सब का दायित्व बनता है कि हम उसको मजबूर करें कि वैक्सीन लगा लें, क्योंकि यही एक इलाज है इसका, वो किया जाएगा। उस तरह के जो भी तरीके हैं उनको भी उपयोग में लाया जाएगा। सर ये तरीका अगर ग्राहकों के लिए भी लागू किया जाएगा क्या? हाँ वो होगा ना, बाजारों में हो रहा है, ये 56 दुकान वगैरह ने कर दिया है और सख्ती से इम्प्लीमेंट कराएंगे। क्योंकि 2-3 दिन वैक्सीन अभी नहीं थी, इस वजह से उसमें कुछ शिथिलता आई है उनके यहाँ पर। जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, सब समुचित व्यवस्था हो जाएगी, तो ये कंपल्सरी हो जाएगा ग्राहकों को भी वैक्सीन लगाएं, और तभी दुकानदार उनको समय